राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ भी पूरी तरह तैयार हो गए हैं। कमलनाथ ने कहा, सभी कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहले से तैयारी में जुटी हुई है। यात्रा को सफल बनाने की तैयारी और तेज तब हो गई जब इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक अपील भरा वीडियो सामने आया। दरअसल यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लेकर उसे सफल बनाने का आह्वान किया है। कमलनाथ ने कहा, सभी कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाएं, ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कमलनाथ ने कहा कि इस यात्रा से जो माहौल बनेगा वो पूरे प्रदेश में जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाना जरूरी है। राहुल जी की यात्रा, ये यात्रा अब फाइनल है, इसकी सब तारीखें सब पॉइंट्स फाइनल हो गए हैं, तो हमें उसको खुद उसको स्टडी करके कि कैसे कैसे वहाँ उनकी यात्रा पिछली यात्रा से और बढ़िया रहेगी, ये करना बहुत जरूरी है। और ये हर कार्यकर्ता का, जिला कांग्रेस कमेटी प्रभारी तो बना दिए गए, इंचार्ज बना दिए गए, पर लोकल लोकल लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। कि पिछली यात्रा मैंने देखी थी, बड़ी नज़दीकी सी देखी थी, उसमें जब तक लोकल लोग नहीं इन्वॉल्व हुए तब तक यात्रा सफल नहीं हो सकती। मैं ईवीएम की बात दिग्विजय सिंह को करने दें, जो इसमें जुटे हुए हैं, सबसे बात कर रहे हैं, अलग अलग वो पार्टियों से भी बात कर रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है और हर पार्टी का मामला है, तो वो दिग्विजय सिंह हैंडल करें जिस तरह वो ठीक समझते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।